सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए यार। पर मैं तो ठीक नहीं हूँ यार। हो क्या रहा है मेरे को? 3 दिन से ना मेरे पेट में बहुत तेज दर्द था यार, और आज मेरे को कॉलेज भी जाना था। मेरे को कॉलेज की छुट्टी करनी पड़ी है, बिकॉज यार 3 दिन पहले थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द था। मेरे को लगा नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा यार, मैंने थोड़ी दवाई ववाई ली, ठीक हो गया। बट ऐसा हुआ नहीं यार, ये दर्द इतना बढ़ता गया कि रात को मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, इतना दर्द है। पेन किलर खा रहा हूँ, पेन किलर का असर तो हो रहा है, बट वो पेट दर्द भी बढ़ रहा है। तो यार 3 दिन हो चुके, तो अब क्या है? अब यार डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जैसे डॉक्टर बोलेगा कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना पड़ेगा, देखते क्या होता है। तो नहीं, क्या कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, क्या हुई, फूड पॉइजनिंग होगी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा यार। मैंने कुछ बाहर का खाया भी नहीं, ये हो क्या रहा है? कोई बात नहीं, डॉक्टर भी बताया क्या सीन है क्या नहीं है। तो चलो भाई चलते हैं डॉक्टर के पास। थोड़ा सा मेरे पास सोया हुआ है और उसका टैडी भी ऐसे कैसे रखा हुआ है। तो चलो भाई चलते हैं, भाई घर में दिखा दूँ कौन कौन है घर में। मेरे पापा जो है वो ऑफिस चले गए, भाई नीचे है, और वैष्णवी है वो चली गई अपने घर पे। मम्मी है, मम्मी को दिखा दो। जी मम्मी, क्या कर रहे हो? साफ सफाई? साफ सफाई। तो मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, होके आता हूँ। थोड़ा सा है ना दर्द हो रहा है, 3-4 दिन हो गया यार, सही नहीं हो रहा है, तबीयत खराब हो गई। हाँ तो भाई यार सीन क्या हुआ कि अभी मैं गया था क्लिनिक पे, हमारे यहीं पे, तो वो बंद है यार। वो 1 महीने के लिए कहीं डॉक्टर गया हुआ है, उसमें बार पर्चा लिखा हुआ था। तो फिर मैंने पापा को बताया, पापा कह रहे कि मेरे वहाँ पे ऑफिस पे आ जाए, तो पापा के वहाँ पे जा रहा हूँ, फिर पापा करवाएंगे। तो भैया मैं मेट्रो के उतर गया हूँ, और अभी पापा पापा कहाँ खड़े, पापा ने बोला यहीं कहीं होंगे। मैं और पापा यहाँ पे आया हॉस्पिटल में, ये पापा के ऑफिस के पास ही था, तो यहाँ पे पर्ची कटवा ली थी। कौन सा नंबर था पापा मेरा? 39। ले पर्ची दिखता है 13 जेम में पर्ची। कोई बड़ा मास्क लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अलाउ भी नहीं करते, और कोरोना भी वापस आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे हम कर रहे हैं वेट, और देखो वो अल्ट्रासाउंड को आपको दिख रहा होगा, अभी 30 नंबर चल रहा है, 30, और मेरा है भी 39। और हम यहाँ मस्त बैठे हुए, मैं और पापा, बस 10-15 मिनट और लगे। 38 नंबर आ चुका है, अगला मेरा नंबर है 39, है ना। पहली बार करा रहा हूँ मैं अल्ट्रासाउंड, मैंने आज तक कभी कराया नहीं होगा। हाँ तो अभी बाहर खाना ज़्यादा खा रहा है ना। बाहर के काटे से नहीं हुआ, बस पता नहीं ऐसे कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा सा घर का खाना जरूरी होता है, देसी घी वगैरह, घर का खाना खाता रहता हूँ बस। आप सेहत बना दो बता रहा हूँ, बना लेंगे डोले सोले। तो भाई अपना अल्ट्रासाउंड हो गया है, और मैं और पापा जाएंगे फटफट करते हैं, 10 मिनट लगाए पापा इन्होंने, और ऐसे करते जल्दी। हाँ तो भाई इसकी रिपोर्ट आ जाएगी अब तुम्हारी शाम को 5 बजे, जब पापा ऑफिस से आएंगे तो लेते आएंगे, है ना। और मेरे को पापा छोड़ देंगे मेट्रो पे, चलो चलते हैं। और एक दोस्त भी आ रखा है भाई, वो मेट्रो पे है, उससे मिलता हूँ, कई सालों बाद मिलूँगा, जब पहले मिलता था भाई जब स्कूल जाता था। तो भाई उतर गए हैं यहाँ पे अपने मेट्रो स्टेशन पे, और वो नीचे वेट कर रहा है, चलो उसके पास चलते हैं, उससे मिलवाते हैं। भाई ये मेरे दोस्त, इससे मिला हूँ मैं 4 साल के बाद मिला हूँ, जब पहले जब स्कूल जाते थे, जब मिलते थे हम दोनों के दोनों। तो अभी आया यहाँ पे, पानीपत गया होता किसी काम से, तो फिर आता था यहाँ दिल्ली आ गया। मैंने कहा आजा भाई, काफ़ी फ़ोन करे इसने यार, मैं फिर भाई अपना बिजी शेड्यूल है, इस चक्कर में फिर मिल नहीं पाता। भाई इस भाई को छोड़ने आया था यहाँ पे स्टेशन पे, और अभी चले जाएगा। ठीक है भाई मनीष, फिर मिलेंगे फुर्सत में, ठीक है। संडे ना मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, जैसे फ्री होगा मैं बता दूंगा, फिर मिलेंगे, ठीक है। आराम से बैठ के चले जाइए, और पहुंच के फोन कर दियो। तो भाई अब घर आ चुके हैं, और मम्मी यहाँ बना रही है चाय। मम्मी भूख लग रही, बना दे यार कुछ बहुत तेज। क्या बनाऊं? चटनी कुछ बना दो बढ़िया सा, दही है? दही दही दे दो, चटनी बना दो, भूख लग रही, खा लूंगा। आलू पराठा बना दूंगा, रिपोर्ट तो नॉर्मल आई मेरी, है ना। बढ़िया है, ये नारियल पानी ना सबसे बढ़िया पेट के लिए। चलो भाई अपना नारियल पानी पी लेते हैं, शाम हो गई है। और भाई जो अपनी रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड करवा के आया था, उसके अंदर नॉर्मल है, बट समझ नहीं आ रहा मेरे 4 दिन हो गए पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दर्द अभी भी हो रहा है यार, पता नहीं क्या, हिलता हूँ तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। शायद ऐसे होगा, कोई नॉर्मल सा हो जाएगा ठीक अपने आप। सो हाय गाइस, अभी क्या है ना, अभी मैं नितिन पे थोड़ा सा प्रैंक करने वाली हूँ, मतलब एकदम इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, नितिन को मैंने अभी देखो कॉल किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, दिखा दो। 5:25 पे मैंने कॉल किया था, 5:26 हो रहे हैं, दिख रहा है उसमें 25 पे मैंने कॉल किया था, और 26 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी ना उनको दोबारा कॉल करूँगी, उनका फ़ोन बिजी आ रहा था, मैं उनको बोलूँगी बिजी कहाँ, मतलब मैं चेक हो जाऊँगी कि फ़ोन कहाँ बिजी आ रहा था, ठीक है। फोन काट दिया, फोन काट दिया।
फोन ही काट दिया, इज्जत ही नहीं है मतलब बड़ा करते हो ऐसे, फिर देखना होगा। मुझे पता है कि वो कहीं पे भी किसी लड़की से बात नहीं करेंगे, मुझे पता है कोई दोस्त होगा या पापा का फोन आ रखा होगा, ठीक है, लेकिन 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 तेरा काम भड़क करना है, ठीक है। जब से मैं वापस यहाँ आई हूँ तब से रितिन का फोन बहुत बिजी आता है, बहुत ज्यादा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। अब मैं सच में गुस्सा आ रहा है। हेलो, किससे बात कर रहे थे? थोड़ी सबर होती है कि नहीं होती है? अरे मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बताओ। किससे बात कर रहे थे आप? अरे योगेश से कर रहा था। तो यार आपको मतलब दिख नहीं रहा मेरा फोन आ रहा है ऐसा कुछ? तो यार वो पेपर की रही की बात कर रहा हूँ, वो ऊपर गया था एग्जाम सेल में, तो वो बात कर रहा था, तो खबर नहीं है क्या? तो मुझे कैसे बताया कि योगेश, भेजना है स्क्रीनशॉट? भेज रहा हूँ, और बता। पहले स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है? देख लेना फिर मेरे से बात मत करना। बिल्कुल नहीं भेज रहा, और बोल। खाना मेरी कसम खाना, किससे बात कर रहे थे? आप स्क्रीन शॉट भी भेजो। तुम किसी और से कर लो के बात, जब तुम नहीं भेज रहे। कसम खाऊंगा, झूठी खाऊंगा। नहीं झूठी तो नहीं खाओगे, पर भेज दो फिर स्क्रीनशॉट। क्यों कसम खा ली, वेट ही नहीं हो रहा। अब बात मत करना मेरे से, ठीक है? अब बात मत करना। दोबारा फोन आया भी नहीं आए, अगर फोन नहीं आया मेरी बेस्ती मैं क्या करूँगी फिर फोन। तो गाइस एक स्क्रीनशॉट आया है, उसके साथ एक गाली भी गिफ्ट में आई है, वो मैं मतलब ये देखो, बाकी कुछ मैं दिखाई नंबर दिख जाएंगे। तो नितिन ने मुझे, अरे यार मैं कैसे दिखाऊँ आपको, दिखाना कैसे नंबर, पूरे नंबर दिख रहे। देखो नितिन की चैट है, तो अभी ये देखो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया है और वो योगेश से ही बात कर रहे थे। अरे यार नितिन मुझे कभी भी शक नहीं करना चाहिए यार, नितिन सच में बहुत अच्छा लड़का है, मतलब वुमन, मतलब अभी नितिन का ना वो हो चुका है यार कि ना लड़का कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। आप सही लड़के को सपोर्ट करते हो, सही लड़के को फॉलो करते हो, सही लड़के के लिए सब कुछ करते हो आप। तो गाइस लास्ट वाली वीडियो में आपको शाउट आउट नहीं मिल पाया था, जिसके कॉमेंट्स निश्चल के ब्लॉग पर भी आ रहे थे, तो आज की वीडियो पर शाउट आउट मिलता है मुस्कान दीक्षित को। इन्होंने काफ़ी सारे कमेंट करे पर इनमें से इनका एक कमेंट है, यार अब आप चले गए अपने मायके, अब मज़ा नहीं आएगा व्लॉग देखने में, अब व्लॉग अधूरा लगेगा, और भैया भी अधूरे हैं आपके बिना कोई ना, लेकिन मैं अब व्लॉग देखूंगी ही नहीं एक हफ़्ता, अब जब आप वापस आओगे तभी देखूंगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, आपको डेली व्लॉग्स में चाहे मैं यहाँ आऊँ मैं तब भी आपको दिखूँगी, डेली व्लॉग्स देखना, व्लॉग्स को शेयर करना। और इन्होंने मुस्कान दीक्षित ने ही और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हुए हैं पैराग्राफ में, तो आप गाइस वो पढ़ लेना, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं। बाद दूसरा कमेंट है ये सौम्या श्रीवास्तव व्लॉग, तो इन्होंने कुछ हमेशा मतलब ये मुझे यही बोलते हैं कभी साड़ी भी पहनो, तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक लाइक 2 मंथ हो गए, तो उनका सिर्फ एक कॉमेंट है साड़ी पहनो साड़ी पहनो साड़ी पहनो। तो अगर मैं कभी अब साड़ी पहनूंगी तो वो किसी के लिए नहीं होगी, वो सिर्फ इनके लिए होगी, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना प्रेशर माइंड पे डाला है, प्रेशर नहीं मतलब अच्छी बात है, चाहते हैं कि मैं साड़ी पहनूं और मैं खुद चाहती हूँ। तो अभी हम जब आने वाले 2-3 व्लॉग्स में, अभी हम जब जाएंगे गांव तो मैं ज़रूर साड़ी पहनूंगी, ठीक है? तो आप व्लॉग्स का वेट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।